अरे 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 तेरे की, अरे सिंगम बन रही तू तो, अरे बेटा गलत काम नहीं करने। ओहो क्या बात है, क्या बात है। और हॉरन 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 क्या क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, पागल पागल हो गया क्या? तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया जी सीन होने वाले हैं कुछ ऐसे कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आज अपन करेंगे मोटो व्लॉगिंग। तो अब मेरी बाइक खड़ी होटल पे और मैंने सामान वगैरह ले लिया। उससे पहले इसको देख लो, इतनी पागल हो रखी है ना आज सुबह से, इतनी पागल हुई है पता नहीं क्यों रखी है, क्या देख लिया इसने आज। तो अब मैं जा रहा हूँ, जब लंबू मेरा वेट कर रहा है, लंबू का जा रहा है कार में, फिर कार मतलब वहाँ छोड़ देगा, फिर वहाँ से अपनी बाइक को करेंगे तैयार और फिर निकल जाएंगे घूमने। और आज थोड़ा धूप निकल गया, दो तीन दिन से नहीं बारिश हो रखी थी भाई। जाने दे मुझे, पकड़ना मुझे, बाय बाय चल। तो भाई लंबू भाई कर रहा अपना वेट, वैसे ज़्यादा लेट हो गया। तो अब बाइक लेके जाएंगे सीधा लक के पास, यहाँ से मतलब 15 किलोमीटर है। तो ज़्यादा बड़ी करेंगे, यहाँ घूमने की वैसे कुछ जगह तो है नहीं। तो अपनी राइड भी आने वाली है, जल्दी जाएंगे बाइक में ज़रा, वो बाकी आपको बाद में बताऊँगा अगले हफ्ते तक चलेंगे। बाकी फ़िलहाल लंबू के साथ बैठ के जा रहे हैं हम होटल, वहाँ से अपनी बाइक उठाएंगे फिर बाइक में चलेंगे भाई। और लंबू भाई क्या हाल है? आपको एक और चीज़ और बता दें कि मैं और लंबू हम लोग कल जा रहे हैं, कल की हम मतलब बुलेरो भी जा रहे हैं, एक और राइडर राइड नहीं है काम से जा रहे हैं। तो काम के दौरान अपनी राइड भी हो जाएगी और व्लॉगिंग भी हो जाएगी, जो काम है वो भी हो जाएगा, जो काम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने होटल का काम है। तो बस बाकी जो हमें कल कहाँ जाएंगे सर, हम जाएंगे नागपुर, योर में कल निकल जाएंगे नागपुर, दो तीन दिन व्लॉगिंग होगी, पूरी मस्ती होगी। आओ तो मेरे साथ लंबू भाई, देखिएगा दो तीन दिन अब दबा के। तो बस फिलहाल अब जा रहे हैं होटल, अब बाइक करते हैं, बाइक को थोड़ी साफ सफाई करके अपना फिर सेटअप पहन के निकल जाएंगे अपने। आज मोटो व्लॉगिंग करने का यार बड़ा मन था करने का, काफ़ी टाइम से मतलब एक सपना था कि यार अपनी बाइक और अपनी बाइक में मोटो व्लॉगिंग करें। पर पहले बाइक आई तो सेटअप नहीं था, जब सेटअप लिया तो विकास नगर था, तो अब आया हूँ तो बाइक भी है सेटअप भी, तो आज करेंगे मोटो व्लॉगिंग, फिर उसके बाद अलग को बिठाएंगे उसको भी घुमाएंगे, आज यही होना है पूरे दिन, देखते रहो बस। आप कर दे क्या बात है, क्या नजारे, कल से डांस हो रहा है, कल से हमारे लोगों फुल डांस चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, तो अलग है कॉपीराइट ना आ जाए। गाइस पहुंच चुके हैं होटल, तो अलग भाई यहीं आ गए, मैं सोच रहा था बाइक लेके वहां जाऊंगा तो वहां से उसको उठा के फिर चलेंगे, तो भाई यहीं आ गए। तो आपको जरा, तो पहले भाई अलग भाई से मिल लो, अलग भाई पटके स्टार्ट करें, गाइस को जनता पूछ रही है क्या हाल है आपके। बस जी बहुत बढ़िया हम, और फर्स्ट क्लास हो रहा है मामला, बिल्कुल बारिश चल रही है पूरी पूरी भाई। तो खैर अभी हमारे वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है कि 10 दिन और बारिश होगी, तो शुक्र मनाया कि आज धूप निकल गई है, तो इसलिए हम निकले। मैंने फटाफट मोटो व्लॉगिंग कर लेते हैं, तो होटल पहुंचे, आपको जरा एक दो चीजें और दिखानी होटल की, वो दिखाते हैं जरा पहले आपको। इतना काम हो गया है, अब खाली भट्टी भट्टी का काम रहेगा आज, ये किचन पूरी बन जाएगी, देखो कब तक बनेगी, एक दो दिन और लग जाएंगे पूरी किचन बनने में, टाइले वगैरह फिट हो चुकी है यहाँ पे। तो मेन चीज़ है वो दिखाते हैं आपको, कांच के अंदर दरबार से अभी फ़ोटो लगवाई है, तो होप आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट में बताना कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लग रही है आपको, सुंदर लग रही है। हो गई गड्डी स्टार्ट, निकलते हैं यहाँ से फर्स्ट टाइम, निकलते ही ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गए भाई, अनंतापुर में पहली बार ऑफ रोडिंग मोटो व्लॉगिंग हो रही है अपने हिमालयन में। इब सुतेंगे ऐसे फुल, आज चेक करेंगे कि अपनी हिमालयन की हाई स्पीड कितनी है। खैर वो मैंने की भी है पर आपको भी दिखेंगे, और अलग से हाँ हाल ने खींच गए। अब यहाँ पे आपको जो लोग दिखेंगे वो थोड़े अन्य टाइप दिखेंगे, मतलब साउथ इंडिया के जो अन्य रहते हैं ना वही है, यहाँ पे कोई अपना सरदार वगैरह या कुछ पहाड़ी पूड़ी नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आके सब कुछ बदल जाता है। तो गाइस बाइक बूट तो लेके आ गए हम, मोटो व्लॉगिंग तो कर रहे हैं पर हमने सोचा नहीं है कहाँ जाना है, पर अब भाई कहता है कि KFC चल लेते हैं, क्योंकि उसने नाश्ता भी नहीं किया और काफ़ी टाइम हो गया कि मतलब बाहर का कुछ खाया भी नहीं है। तो हम जा रहे हैं KFC जो कि इसी हाईवे में ही है, सीधा है यहाँ से 20 किलोमीटर है हमारे वहाँ से। तो लेट चेक सम स्पीड कितनी गोली जाती है, ये हो चुकी है अनंतापुर शहर की स्टार्टिंग, यहाँ से शुरुआत है, ये अंदर पूरा शहर है अनंतापुर,
बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आगे दिखाएंगे आपको फ्लाईओवर से कितना बड़ा है। और ये हाईवे सीधा बेंगलोर एंड हैदराबाद हाईवे। हट जाओ भाई, हट जाओ। और गां नू हो जा काका, कितने किच्ची जाने बलबोरो नू। और मैं कह वीरे परे हो जा, अरे साइड हो जा भाई, सदार आ रहे हैं। हेलो, अरे 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 तेरे की, अरे सिंगम मंड रही है तू तो। अरे बेटा गलत काम नहीं करने, मतलब अन्य है, प्रूव करते हम अन्य है, आंखों से भी अन्य है भाई। ये है घुसाएंगे गाड़ी, देख नहीं रहे हाईवे है, मेन हाईवे चौक है, यहाँ का सबसे बड़ा चौक है ये, सारा सीधा प्रूफ है, हैंड्स प्रूफ वी आर अन्य है, नहीं लग से यहाँ। हाँ अरे कह रही हाँ तो हाँ, चक वीरे अरे कैसी। और मैं क्या चाय ले आओ, अब केएफसी में चाय मिलती है क्या? आज केएफसी में चाय पी के आएंगे, मैडम को बोलेंगे मैडम बना के दो, हमें तो चाय पीनी है, हम तो चाय लव रहे हैं, देखते हैं क्या बोलेगी। बोलूँगा मुर्गे बेच सको, चाय नहीं बेच सको, हैं भाई हैं अलग से। हाँ मुँह फोटो लाई पई है, चाहते मिलूँ ही मिलूँ, मैं चाय पी के जाऊँगा जी। फिर आ गए हैं भैया केएफसी। चलते हैं वापस घर को, क्योंकि आज है सैटरडे। चलो तीनू करता करता, तो शायद अब इसका लेंस भी सही आ रहा होगा। उस टाइम ना वो वाइड था, अब मैंने एकदम नैरो कर दिया, नैरो नहीं मतलब सुपर वाइड कर दिया, ताकि वो उस टाइम पे थंडर बर्ड थी तो मैंने वो वाला लेंस सेट किया था, तो वो इस पर सेट नहीं हो रहा था। मैंने अब देखा है, चेक कर लिया, अच्छी बात है, वरना पता ना लगता, वीडियो खराब हो जाती साड़ी से। तो लोग कहते की करते हो वीर जी, थानू मोटो व्लॉगिंग नहीं करन आती। हूँ गल ये है कि साडा आ गया घर, तो इधर गली नू खब्बे मुड़ के ना, तो साडे सज्जे 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 मुड़ के साडा आ जाना घर। तो बस हूँ अंदर जाके चाह पीवांगे, तो हेलमेट छड़ांगे इधर ही, तो जावांगे कम ते। तो हूँ देखो साड़ी रोजी के ड्रामे, तुसी तुहानू दसांगे रोजी के ड्रामे किस तरह के होंगे ने, आ वेखो तुसी, आ वेखते रहो बस तुसी की होना है। हटा भाई, आले चक आ गई मैं, आले चक। ये डंडे खा रही है, दवाई नहीं खा रही। पकड़ पकड़ गई बाहर, अरे अरे धक्के धक्के। तो भाई ये कुछ है रोजी की दवाइयाँ, क्योंकि बेचारी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई, कूद कूद के रोटी खाती नहीं है, ये वाली रोटी है खाती नहीं है, चिकन चावल के अलावा कुछ जो चाहिए नहीं। मेरी बात, हाँ जी डॉक्टर साहब बोलो। ये वाली दो बार दे दियो, ठीक है सर, ठीक है सर, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ बता दी है, अब मैं रोजी को दवाइयाँ पिलानी है दो बार, एक बार बाकी मौसम। ओए होए होए क्या बात, अलग मौसम दे यार भाई, रुकने का नाम भी ले रही है। देखो क्या जबरदस्त बारिश होने वाली है भाई साहब, दो दिन हो गए बारिश रुकी नहीं है। अच्छा वो रुकी है और हमारी मोटो व्लॉगिंग होगी। चाय आ गई, ओए चाय फड़ो। कुछ कहना चाहो सर? यार मौसम तो एक नंबर हो रहा है, ऊपर से चाय, मामी ने क्या चाय बनाई है, क्या बना दिया, मतलब मैं बताने ऐसी चाय ना कभी मतलब बनती नहीं है, बन जाती है, समझ रहे हो ना, ऐसी चाय गलती से बन जाती है कभी कभार मौसम के हिसाब से। बाकी मौसम बहुत जब, और मैंने फोरकास्ट चेक किया था 10 दिन की बारिश बता रहे थे, ये शुक्र है कि आज रुक गई है, तुम्हारे एक दो काम हो गए और कल अपने को निकलना नागपुर। हेलो दी स्टैल मारी, स्टैल मारी, पता है बजने वाले हैं, खा गई सब कुछ, खा गई तो फट मारा है। चल भाई, तो गाइस हम जा रहे हैं होटल पे, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, बारिश कभी हो जाएगी, एनी टाइम बारिश पड़ सकती है, तो इसलिए उससे पहले कि हम पहुंचें, क्योंकि आज कार अपने पे है नहीं, कार लंबू लेके जा रखा है सर्विस करवाने, क्योंकि अपने कल निकलना है नागपुर, तो गाड़ी जा रखी है सर्विस होने, तो उससे पहले सोचा कि हम निकल जाते हैं फटाफट, बारिश पड़ गई तो बस यहीं भूख जाएंगे, फिर यहीं हमारी बन जाएगी।
तो हुण साडा वीरा राइड करू और मैं क्या जी राइडर आप सारे वीरे जल्दी इन्ना नहीं सजीदा होंदा बारिश पैजू ओए हो खिंच के वीरे वीरा की संभाले साडा वीरा गड्डी संभाले या अपना ढिड संभाले संभाले क्या बोल रहा हूँ भैया वो प्लस हो गए हैं कि पेट को संभाले कि ढिड को संभाले और ढिड कह रहा हूँ गड्डी नू भाई वीरे आप पीछे बैठ के देखें बाबा बाबा जरा लाइट चालू करके दिखा क्या काम करवा के लाया तू अपन भी देखें ओहो क्या बात है और हॉर्न 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 क्या बस बस कान सुनोगे भाई कान सुनोगे बहुत बढ़िया बस भाई बस सुन लिया तो गाइस शाम के बच चुके हैं 7 और लंबू करा के आ गए अपनी गाड़ी का काम पूरा हो चुका है कल हमें बुलेरो लेके जानी है रोड ट्रिप पे रोड ट्रिप है जो भी है जो मर्जी समझो अपनी तो रोड ट्रिप है तो कल जाएगी हमारी बुलेरो काम पूरा हो चुका है लाइटिंग करवानी थी सर्विस करवानी थी हॉर्न बदलाया तो 4-5 काम थे मेन गाड़ी के सब कुछ हो गया बढ़िया एक नंबर कल के लिए अपनी दुल्हन तैयार हो गया तो अब सीन ये है अब हो चुकी है रात काफ़ी ज़्यादा और ये ब्लॉग भी एडिट करना सुबह में निकलना है जल्दी तो इसलिए ये ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड तो यार होप आपको हमारी आज की मोटो ब्लॉगिंग अच्छी लगी होगी यार और लगी ना अगर आप नए हो चैनल पर तो यार वीडियो को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और सबको दिखाना और लाइक वगैरह सब कुछ कर देना जो जो होता है तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए बाय टाटा टेक केयर।